Hi friends. So we are going from Delhi to Kanpur via Taj Express and Lucknow Express. I'll let you know about the road conditions. हाँ मैं देख रही थी, कुछ आ नहीं रहा था। यहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं कहा भैया, वैसे pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Oye, despacito, tu pelo despacito, que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, te abrazo despacito, por las paredes de un laberinto. Take the exit towards Agra Lucknow Expressway. Continue on Agra Lucknow Expressway for 219 kilometers. Oh, that's beautiful. अच्छा लग रहा है ना? सही है, light white भी तो सही लगी है। अच्छा भी क्या, safety security भी है। स्मूथ और कंफर्टेबल।
so smooth. So beautiful. Kanpur, is that? Kanpur ka board nahi hai. फाइनली हम हवेलिया पे पहुंच गए हैं कुछ खाने पीने के लिए. वी डाउट कि हमें कुछ खाने पीने के लिए मिलेगा यहाँ पर. बता दो माइनस पार्ट यही है, इतनी दूर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है, तो प्लीज आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाए तो अपना पेट्रोल खुद रख के चले. जब भी आप लखनऊ एक्सप्रेसवे पे प्लान कर रहे हैं ट्रैवल करने के लिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपकी गाड़ी का फ्यूल टैंक फुल होना चाहिए और आप कुछ खा पी के निकलिए, क्योंकि आई मीन यू नॉट गेट एनीथिंग टू ईट. सो देर इज़ वन प्लेस बाय द नेम ऑफ हवेलिया. आई विल सी गो इनसाइड एंड सी इफ आई गेट समथिंग टू ईट. और हमारा शक बिल्कुल सही निकला, यहाँ पर हमें खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिला. बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं कि कुछ खाने पीने का है या नहीं है. बट अभी जस्ट मैंने यहाँ के स्टाफ से बात की है और उन्होंने बताया है कि अभी टाइम लगेगा इस पर. फ़िलहाल इतनी सारी आप गाड़ियाँ देख रहे हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे इसीलिए रुके हुए हैं कि शायद इनको कुछ खाने के लिए मिल जाए. बट अनफॉर्चुनेटली आगे कुछ होगा खाने पीने के लिए. अभी पहली बार आ रहा है. अच्छा, अभी पहली बार आ रहे हो. ओके, चलो मैं आपको बताता रहूँगा. बाकी रोड कंडीशंस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो लखनऊ एक्सप्रेसवे इज़ फार बेटर देन ताज एक्सप्रेसवे. बेसिकली वो कंक्रीट से बना हुआ है और ये आपका जो नॉर्मल डामर रोड होता है उससे बना हुआ है. राइड इज़ सो स्मूथ, आई मीन एंड टायर फटने का भी इतना वो नहीं है. ताज एक्सप्रेसवे में इस वजह से होता है क्योंकि वो कंक्रीट का है और टायर प्रेशर, टायर गर्म होने के वजह से टायर फटने के बहुत चांसेस रहते हैं थोड़ा सा आपको. मैं और गाड़ी अगर आप वहाँ पे 100-120 पे भी चला रहे हो ताज एक्सप्रेसवे पे तो टायर बहुत आवाज़ करते हैं. बट इस रोड पे आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा. राइड इज़ सो स्मूथ. चलो मैं अनुष्का से पूछता हूँ इन्हें खाने के लिए कुछ मिला है कि नहीं मिला है. बड़ी उम्मीदों के साथ में यहाँ पे रुके थे हम. एक चॉकलेट जो कि ऑलरेडी मेरे बैग में रखी हुई थी. शी इज़ माई वाइफ. हाँ, मेरे पास एक और चॉकलेट है. कल जैसे बिट्टी के प्यार हुआ है.